हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई लोग, बिकॉज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे तुम इंडिया में रह के या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में रह के एनवीडिया के जी फोर्स नाउ जो उसका नया क्लाउड गेमिंग एप्लीकेशन है उसका यूज़ कर सकते हो। तो फॉर दैट यू नीड टू चेक द होल वीडियो, बिकॉज मैं वीडियो के एंड में तुम लोगों को गेम भी खेल के दिखाऊंगा। बट थोड़ा सा हम लोगों को अपना जो इंटरनेट का स्टेट है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी नो द इंटरनेट इन आवर कंट्री इज नॉट सो गुड, बट द प्रॉब्लम इज इस एप्लीकेशन के साथ इंटरनेट नहीं है। वो इशू ये है कि सर्वर्स जो एनवीडिया नाउ के ने रखे हैं जी फोर्स नाउ के, वो है ईयू में एंड यानी कि यूरोपियन यूनियन में एंड उसके अलावा यूएस में। सो दैट इज़ वाई इंडिया से जो भी कनेक्शन इनिशिएट होता है उसका जो पिंग है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 270 या 280 के आसपास। अगर उससे कम पिंग में आप लोग खेलोगे एंड बैंडविड्थ अच्छा मिलेगा आपको, तो यू मे गेट अ डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस फॉर फ्री। तो वीडियो के एंड तक देखते रहो। वीडियो में तुम लोगों को मैं पहले तो ये बताऊंगा कि कैसे ये एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल करना है, दूसरा ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे तुम लोग जी फोर्स नाउ को फ्री में एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड तीसरा चीज़ 3 महीने के लिए जो इनका प्रीमियम पैक है जिसमें आप 1080p 60fps पे गेमिंग कर सकते हो तो दैट इज़ फ्री, एंड उसके बाद सिर्फ $5 के इंट्रोडक्टरी प्राइस पे है। तो इफ़ यू आर having that kind of money you can definitely use this। आप देख सकते हो कि महीने के ₹300 दे के आप स्टीम पे जो भी गेम खेलना चाहते हो, स्टीम के अलावा फोर्टनाइट के लिए एपिक स्टोर पे या फिर ऑरिजिन फॉर एपिक्स लेजेंड, तो उन सब पे जो भी एप्लीकेशन पे आप जो भी गेम खेलना चाहते हो दैट यू कैन प्ले। एंड यू नीड टू सी द होल वीडियो जहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे ये गेम इंस्टॉल करते हैं आप, पहले जी फोर्स नाउ को कैसे आप इंस्टॉल करते हो अपने पीसी पे। तो आप पीसी का यूज़ कर सकते हो या एंड्रॉयड का यूज़ कर सकते हो यूजिंग देयर एप्लीकेशन। तो जी फोर्स नाउ बेसिकली जो मेरे को अभी तक यूज़ करने पे समझ में आया, आपको एक वर्चुअल मशीन देता है जिसमें जो कि एनवीडिया के सर्वर रूम्स में डेटा सेंटर्स में लगे हुए हैं, वहाँ पे वो आप एक ज़ियोन सर्वर लगा हुआ है जिसके 4 कोर 8 थ्रेड आपको अलॉट होते हैं एक टेस्ला P40 GPU के साथ। टेस्ला P40 आई डोंट थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी यूज़ किया है एंड मैं कर भी पाऊंगा, बट आई टेल यू टेस्ला P40 हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि एनवीडिया का रे ट्रेसिंग ऑन वाला कार्ड है। एंड इस कार्ड की वजह से अगर तुम लोगों को अच्छे बैंडविड्थ पे ये गेम खेलोगे तो तुमको रे ट्रेसिंग फीचर भी मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एंड उससे पहले हम लोग को रजिस्टर करना होता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन पे जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है फ्री अकाउंट एंड दूसरा है पेड अकाउंट। तो पेड अकाउंट में आपको 3 महीने फ्री मिलेगा, उसके बाद $5 पे आप 1 साल तक के लिए चला सकते हो यानी $60 पर ईयर। हाउएवर जो फ्री अकाउंट है वो फ्री है एंड उसमें आप 1 घंटे के लिए गेम खेल सकते हो जो कि थोड़ा सा कम है बट स्टिल इट इज़ फ्री। बट जो पेड वर्जन है उसमें आप रे ट्रेसिंग के साथ अनलिमिटेड गेम्स खेल सकते हो, आपको प्रायोरिटी ज़्यादा जल्दी दी जाएगी, एंड दिस इज़ वाई दिस गेमिंग फीचर सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज एनवीडिया यू नीड टू लॉन्च योर सर्वर्स इन इंडिया, बिकॉज इंडिया एक बिल्कुल प्राइम कंट्री है जिसपे अगर आपको ये आप चाहते हो कि ये सक्सेसफुल हो देन यू नीड टू कम टू इंडिया, एंड इफ यू डोंट कम टू इंडिया देन यू मे लूज दिस मार्केट फ्रॉम योर किटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग इंडिया में सेटल होना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू यू नो गेन बिग मार्केट, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर इंडियंस एंड दे विल लव टू हैव देयर सर्वर्स इन इंडिया। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इंडिया में सर्वर लग जाएंगे तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही मक्खन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू प्ले द गेम्स फॉर एज लो एज ₹300 to 500 पर मंथ बेस्ड ऑन द इंटरनेट यू आर यूजिंग। तो गाइज चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन, एंड इंस्टॉलेशन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको सबसे पहले आपका जो एनवीडिया का अगर पहले से अकाउंट है तो वो यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो नहीं है तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए VPN का यूज़ करना पड़ेगा। सो मैंने यूज़ किया फायरफॉक्स जिसके अंदर VPN मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, एंड उससे मैंने एक UK या EU जो बोलो ग्रेट ब्रिटेन बोलो या यूरोपियन यूनियन बोलो वहाँ पे IP उसका एक IP लिया, एंड बेसिकली IP जापान का था बट जापान इज़ बेसिकली अलाउड टू यूज़ दोज IPs। तो वो IP लेके हम लोगों ने अपना अकाउंट जो है उसको रजिस्टर कराया, जी फोर्स नाउ के लिए रजिस्टर किया, एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है आप कैसे खेलना चाहते हो, फ्री में खेलना चाहते हो जिससे आपको 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड मिलता है। तो 99% लोगों को अभी फ्री जाना चाहिए बिकॉज इंटरनेट आप लोगों का इतना अच्छा होगा नहीं कि आप लोग गेम खेल पाओ। हाउएवर अगर आप पेड करते हो तो 3 महीने के लिए फ्री है, एंड फॉर मी 3 महीने टेस्टिंग के लिए तो अच्छा हो ही जाएगा। इफ आई फाइंड अ गुड VPN आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट। तो रजिस्टर करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन देना होता है अगर आप पेड वाले पे जाते हो जो कि $5 पर मंथ है, बट वो बिलिंग स्टार्ट होगा 3 महीने बाद से। तो वी गेट
अराउंड 3 मंथ्स जिसमें हम लोग टेस्टिंग पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना पेमेंट देना होता है, तो पेमेंट के लिए यू कैन यूज इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट कार्ड, एंड इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली इंडियन क्रेडिट डेबिट कार्ड आप लोग यूज कर पाओगे, एंड साथ ही अगर आप लोगों के पास पेपैल है तो पेपैल आप यूज कर सकते हो, एंड दैट्स इट। इसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि जीफोर्स नाउ के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड करो, गेम लॉन्च करो, एंड द गेम जैसे लॉन्च करोगे यू विल फाइंड योर सेल्फ अ विंडो, कौन सा गेम खेलते हो उस पर डिपेंड करता है, वो आप लोगों को ऐड कर लेना है, एंड उसके बाद उस विंडो पे जब आप क्लिक करोगे तो यू कैन प्ले दैट गेम। सो लेट्स डायरेक्टली गो इनटू द गेम प्ले, एंड पूरा सेटअप मैं आपको बताऊंगा, तो जस्ट सी दैट। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड आई लव टू मेक दिस, एंड मेरे को बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में, एंड क्लाउड पे कभी गेमिंग कर पाऊंगा इंडिया में मेरे को नहीं समझ में आया, हाउएवर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखो बिकॉज इस पे मैं तुमको विचर 3 खेल के दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो एनवीडिया का जीफोर्स नाउ जो क्लाउड गेमिंग वाला कहानी है वो मैंने अभी ऑनलाइन लॉग इन कर लिया है, एंड उसके बाद अब मेरे को गेम सेट करने हैं, दैट्स इट। तो चलो गेम सेट करने के लिए देखते हैं क्या करना, फाइंड अ नेम, ओके। तो अब हमको बस नाम सर्च करना है, विषय हो गया, उसके बाद और क्या क्या गेम्स आई डोंट नो, तो जो भी फ्री गेम्स है वो खेलने में तो आपको मज़ा आ ही जाएगा, लेट्स सी कितना मज़ा आता है। ओके लेट्स से हमारे पास जो ये विचर 3 है दैट वी ऑलरेडी है, तो वी आर जस्ट नाउ देखते हैं लॉन्च करके देखते हैं क्या कहानी होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम क्लाउड, अभी नेटवर्क का स्पीड तो बहुत ही गंदा आएगा, दैट टू वी नो, तो 720p 30fps पे खेलने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी इवन इफ दैट वर्क्स ऑन, बिकॉज इंडिया में ओवर 99% लोगों के लिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज द ब्रॉडबैंड एंड द इंटरनेट आर नॉट सो गुड, एंड जब तक वो इंडिया में नहीं लॉन्च करेगा तब तक तो बहुत ही मुश्किल है इसके सर्वर्स इंडिया में, और एटलीस्ट सिंगापुर में वेयर यू हैव सिंगल प्लेयर गेम्स खेलने के लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा होगा। सो इफ यू इवन इफ हैव अ लैपटॉप यू कैन प्ले द गेम, हमारे लैपटॉप में अगर USD 620 ग्राफिक भी है जो इंटेल का इंटीग्रेटेड है और काइंड ऑफ दैट, सो जो जैसे कि देख सकते हो स्ट्रीमिंग ओवर योर नेटवर्क इज नॉट रिकमेंडेड एंड डायरेक्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम VPN एंड ट्राइंग अगेन, तो ये इसको पता है कि हम लोगों ने VPN से ज्वाइन किया है, एंड सेकेंड चीज दिस इज द स्टेटस, तो हमको फ्रेम लॉस मिले 8.4% लेटेंसी इज 274 विच इज शुड बी लेस देन 80 रिकमेंडेड, तो एंड तो इस हिसाब से तो जो सिंगापुर के सर्वर्स हैं तो दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस, तो आपको अगर देखना है तो मतलब इंडिया इज आउट ऑफ दिस ओनली, फिर भी अगर सिंगापुर के सर्वर्स बीच में लॉन्च भी होते हैं देन ऑल्सो वी कैन ट्राई समथिंग, और कुछ फास्टर सर्वर्स अगर हों तो दैट ऑल्सो कैन वर्क, बट लेट्स सी हम लोग कंटिन्यू एनीवे करते हैं बिकॉज हम इंडियन गेमर्स हैं, वी डू एवरीथिंग एक्सट्रीम, तो लेट्स से वेदर वी कैन प्ले विचर 3 वाइल्ड हंट ऑन जीफोर्स नाउ और नॉट इन इंडिया, एंड अगर ये कर सकते हो तो 3 महीने के लिए फ्री है, एज यू हैव सीन मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताया था, तो यू जस्ट नीड अ क्रेडिट कार्ड और पेपैल अकाउंट, उसके आप लोग जो है रजिस्टर कर सकते हो, एंड इसके बाद 3 महीने बाद वो आपका बिलिंग होगा, सो दैट इज़ वेरी ईजी टू डू, एंड लेट्स सी वेदर वी कैन, ओह द गेम लॉन्च्ड, we are doing cloud gaming guys, gaming kar payenge ki nahi pata nahi but we are doing it, so aur abhi right now we are streaming right now as you can see, to humko steam ka apna account jo hai spotty connection dikha raha hai, your game may stutter or stop if the connection doesn't improve, okay, so right now we need to log in to our account, so I'll just hide the name and everything and we'll just log in, so guys as you can see hum logo ne kar liya hai login apne account mein, एंड दिस इज़ आवर स्टीम पेज एज यू कैन सी, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में दिख रहा है, एंड वॉट वी आर गोइंग टू डू वी कैन प्ले आई गेस एनी गेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लेट्स सी, तो बेसिकली हम लोगों ने उनके जो सर्वर है उसको काइंड ऑफ रिमोट पे ले लिया है, एंड नाउ वी नीड टू लॉन्च द गेम, द लेटेंसी इज़ वेरी बैड एज यू कैन सी बिकॉज द बैंडविड्थ इज नॉट, तो अगर कोई फ्यूचर में अच्छा VPN मिलता है जिससे हम खेल सकें So I'll do that. However, जब तक वो नहीं है तब तक we need to try these games. Okay, so install करना पड़ेगा जो भी game हमको खेलना है. I guess that's the thing. Let's see.
तो पहली बार जब भी आप कोई गेम खेलोगे यू नीड टू डाउनलोड इट एंड एज यू कैन सी स्टीम इज डाउनलोडिंग विचर 3 वाइल्ड हंट ट्रैक द प्रोग्रेस ओके। एंड ये उनका जो सर्वर है बेसिकली एनवीडिया का जो सर्वर है वी आर यूजिंग दैट एंड द नेटवर्क स्पीड इज 23 MB/s दैट इज द नेटवर्क स्पीड दे आर गेटिंग देयर। सो वी नीड टू डाउनलोड दिस होल गेम ऑन दैट सर्वर बेसिकली। एंड हम लोगों ने एक लेटेंसी फ्री एक रिमोट पे लिया हुआ है बेसिकली एक पीसी को, जो मेरे को समझ में आ रहा है ये जो एप्लीकेशन ये डेडिकेटेडली उनके सर्वर पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक मशीन मेरे को दिया गया है एंड मशीन मेरे को देने के बाद दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई एम गेटिंग, 56 MB/s का स्पीड डाउनलोड कर रहा है वो, देखो 11 GB में से 2 GB होने वाला है। तब तक देखते हैं हम लोग इस सिस्टम का, अगर हमको कुछ सेटिंग्स देखने को पता चलता है तो वेदर वी कैन सी द वॉट काइंड ऑफ कॉन्फिग्रेशन वी आर गेटिंग ऑन दैट एप्लीकेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन। यस दिस इज वॉट वी नीडेड एंड लेट्स सी वॉट डू वी गेट। तो नॉट एबल टू सी ओके। हम लोग एक इंटेल जियोन सीपीयू E5-2697 V4 एट 2.3 GHz के सीपीयू पे खेल रहे हैं। तो बेसिकली आई थिंक दिस इज अ वर्चुअल मशीन जो हम लोगों को जिसका एक्सेस मिला है एंड द सीपीयू स्पीड इज 2300 MHz, 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं। तो दिस इज अ 4 क्वाड कोर सीपीयू विथ 8 थ्रेड्स, दिस इज काइंड ऑफ अमेजिंग। हाइपर थ्रेडिंग इज सपोर्टेड एंड द वेरियस थिंग्स विच आर सपोर्टेड एंड सपोर्टेड जो तुम देख सकते हो। बेसिकली एक पूरा का पूरा जो हम लोगों को एप्लीकेशन जो है वो वर्चुअल मशीन दे दिया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 2012 R2 64 बिट NTFS सपोर्टेड एंड वीडियो कार्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं वी आर प्लेइंग ऑन एनवीडिया टेस्ला P40 कार्ड, दिस इज लाइक अमेजिंग। अगर तुम लोगों ने कभी नहीं खेला तो आई एम प्लेइंग ऑन टेस्ला P40 कार्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस। एंड जैसे कि तुम देख सकते हो 60 Hz पे हम लोग खेलेंगे। सो इट्स बेसिकली एक कार्ड को बहुत सारे उस पर डाला गया है एंड द रेजोल्यूशन वी आर प्लेइंग एट 1080x720p जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है बिकॉज स्पीड इज नॉट सो गुड। सो दिस इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। एंड HDMI आउट से हमको वर्चुअल देखो आउटपुट मिल रहा है यहाँ से। तो वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग। रैम है 153 51, मतलब 16 GB की रैम है एंड अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस इज 44, आई थिंक दिस इज 400 500 GB के आसपास। सो दिस इज राइट वेरी इंटरेस्टिंग। बट जो OS इंस्टॉल्ड है दैट इज समवेयर Jan 1, 1970, तो डेट उन्होंने नहीं चेंज किया। तो हमारा गेम देखो पीछे से डाउनलोड हो गया और हम लोगों को ये पता चल गया इतना सारा कुछ। एंड द थिंग विच आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इज दिस एनवीडिया टेस्ला P40 ग्राफिक कार्ड। तो बेसिकली हम लोग 720p रेजोल्यूशन पे एनवीडिया टेस्ला ग्राफिक कार्ड पे खेल रहे हैं। सो इज लाइक कूल, आई एम वेरी मच अमेज्ड बाय दिस एंड वेदर वी कैन प्ले दिस ऑन इंडिया, मतलब मजा ही आ गया। चलो खैर 58 MBPS की स्पीड पे डाउनलोड हो रहा है ऑन दैट सर्वर जो कि EU में कहीं पे रखा हुआ है फॉर एनवीडिया। एंड द क्वालिटी इज नॉट सो गुड, आई विल ट्राई टू फाइंड अ गुड VPN जिससे हम लोग एटलीस्ट थोड़ा सा गेम प्ले देख सकें एंड थोड़ा सा अच्छा रेजोल्यूशन थोड़ा अच्छा सा गेम प्ले रहेगा तो इट विल बी फन टू वॉच एंड प्ले एक्चुअली। तो दिस इज रियली नाइस एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो इन्जॉय दिस। किसी के पास अगर फास्ट इंटरनेट है तो यू गाइज कैन गो एंड चेक दैट आउट। दिस इज लाइक इंडिया में आई डोंट थिंक किसी और ने किया होगा एंड बिकॉज किसी को इतना पता ही नहीं होगा। तो बेसिकली वी आर गेटिंग अ क्वाड कोर CPU 8 थ्रेड्स के साथ टेस्ला P40 का GPU है। बेसिकली वी आर गेटिंग अ वर्चुअल मशीन जिसके अंदर विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल्ड है एंड दिस इज रियली अमेजिंग। एंड बट द रेजोल्यूशन इज नॉट गुड, सो एवरी थिंग इज ओके बट बिकॉज सर्वर्स इंडिया में नहीं है, इंडिया क्या एशिया रीजन में ही नहीं है, तो वी आर समवेयर कनेक्टेड एंड इट्स स्टिल काइंड ऑफ स्टेबल ओनली यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है। सो दिस इज इंस्टॉल्ड एंड लेट्स प्ले दिस एंड लेट्स सी वॉट काइंड ऑफ गेमिंग कैन बी डू ऑन गूगल नाउ। आई एम वेरी एक्साइटेड, लाइक टोटली एक्साइटेड। आई कैन सी दिस, मतलब अगर अच्छा इंटरनेट हो तो वी कैन प्ले ऑन ओल्ड लैपटॉप, दैट्स एज सिंपल एज दैट। इम्प्रेस्ड एंड दिस इज सो ईजी टू डू यार। गूगल स्टेडियम में तो पता नहीं कंट्रोलर ये वो फलान ढिमकान, इसमें आप नॉर्मल PC गेम्स खेल सकते हो। सो जस्ट
एंजॉय द होल वीडियो गाइस, गिव इट अ लाइक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, गिव इट अ डिसलाइक अगर नहीं पसंद आ रहा है तो, एंड आई थिंक दिस इज द क्वालिटी इज नॉट गुड, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हम लोग जो है, ओ द गेम लॉन्च्ड, यस यस यस, चलो स्पेस स्किप करते हैं, देखो स्पेस का तो वो सही है एकदम, ओ एंड ऑडियो, वी गॉट ऑडियो गाइस, वी गॉट ऑडियो, नाइस, द लेटेंसी इज वेरी हाई, माउस देख सकते हो तुम क्या हालत हो रही है माउस की, ए कंटिन्यू कर दिया। कांटेक्ट इन वेलन वाज टू बी हेंड्रिक, द एम्परर्स स्पाई। हेंड्रिक वाज ऑपरेटिंग इनकॉग्निटो इन दैट वॉर रैबिट। वेरी नाइस। हिज मिशन टू गैदर इंटेलिजेंस अबाउट सिरी। येट गेराल्ट अराइव्ड टू लेट। द वाइल्ड हंट हैड रीच्ड हेंड्रिक फर्स्ट। The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord. चलो, तो गेम हमारा गाइस हो गया लॉन्च, तो वी आर प्लेइंग द विचर 3 वाइल्डलैंड्स बहुत ही खराब रेजोल्यूशन पे एंड बहुत ही खराब क्वालिटी के साथ। आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डेटा और no it's not playable as of, but agar internet sahi ho and if I find a good VPN I'm definitely going to play some games on this. So ye dekho hamara ghoda chal bhi raha hai and because the internet is so bad it's like aap bahut purane laptop pe khel rahe ho with latency and everything, to kuch dikhai kahin nahi de raha, so you can't definitely play yaar, nahi khel sakte, but the technology is very nice and I'd love to see this technology Nvidia aur zyada share kare isko, India mein agar hoga to yaar you understand that 300 rupees mein you can play all the games you have on Steam and free games, Fortnite jo bhi any game you want to play you can play this. Aapko ek application diya gaya hai, ek PC diya gaya hai jo aapne kiraye pe liya hua hai basically. So dekho hum log game to chal raha hai, game is working but we are playing garbled things. So I hope you guys enjoyed today's video and this gameplay of Witcher 3. Of course you have. And तो guys हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग Nvidia को बोलते हैं कि वो servers जो हैं वो India में लेके आए, because it is going to be a very big hit. Free में भी आप खेल सकते हो for that matter. अगर free account में जाते तो you get एक घंटे का game time and you get standard gameplay. But the whole features is same, you can play games agar aapke paas steam pe game hai to, so that is why this is important and agar ye india wagera mein aa jayega to bahut hi acha rahega, log free mein game khel sakte hain apne purane laptop pe, apne purane mobile pe, that is the beauty of this thing. So guys I hope you like this video, maine sare specification ya jo bhi kuch chahiye wo maine bata diya aap logo ko and I hope guys you enjoy today's video. Fir milte hain guys apne agle video mein, keep sharing the channel, jitna share karoge channel ko utna support milega, mob crush agar multi stream karoge to channel ko support milega. So thanks a lot for watching, I hope you enjoyed today's video and dekho humko Geralt halka halka to dikh hi raha hai and even he is moving, so thanks a lot guys, take care, bye bye, see you, jai hind.